हर साल की तरह इस साल भी टाउनशिप में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सेक्टर 6 स्थित मंदिर में छेरा पहरा की परंपरा को पूरा किया गया, जिसे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने परंपरा को निभाते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ खींचना शुरू किया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने भी रथ यात्रा में शामिल होकर रथ की रस्सी को पकड़कर खींचा। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ ने काष्ठ निर्मित सुंदर और भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन दिए। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरा भारत भिलाई में बसता है, और वही सौभाग्य है कि जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा और उनका आशीर्वाद पूरे भिलाई वासियों को मिलता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस गरिमामयी और श्रद्धा की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हो पाते हैं। मैं भी परिवार के साथ यहाँ पे आज सम्मिलित हो रहा हूँ। मैं भगवान जगन्नाथ स्वामी जी से ये प्रार्थना करूँगा कि उनका आशीर्वाद संपूर्ण भिलाई वासियों पर, छत्तीसगढ़ वासियों पर बने, हम लोग हमारे शहर की प्रगति में अपना योगदान दे सकें और हम सब के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में खुशहाली है, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी लोगों को रथ यात्रा की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। कल हमारा सांस्कृतिक समाज सेक्टर 6 के तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारा ऐसा तो पहले हम 2 बजे कार्यक्रम सोचे हुए थे, लेकिन गर्मी को देखते हुए, क्योंकि तपती हुई गर्मी में रथ को बिना पैर में लोग खींच के लेते हैं, इसी कारण में इसको थोड़ा हम विलंबित किए और 4:30 बजे हमारे शुरुआत हुआ। चिन्मय मिशन की जो हमारे हमारे गुरुजी हैं, यहाँ का मुख्य अतिथि रहे, विशेष अतिथि में निको स्टील प्लांट के MD और CEO वो रहे और बाकी गणमान्य व्यक्ति यहाँ के आए हुए थे। भगवान गणमान्य यही है कि क्या माना करते हैं कि भगवान सबको सुख शांति दे और हमारे राष्ट्र में कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, हमारे देशवासी को भला हो, हमारे भिलाई के परिजनों लोगों के सभी सुख शांति में, यही कामना करते हैं। बार देखिए हर जगह पे ये 99% बारिश होती है, हो सके इस बार की जिस क्लाइमेटिक चेंज हुआ, ये अभी जो क्लाइमेट आपका साइक्लोन आया, हो सके उसका दुष्प्रभाव रहा, जिसके लिए नहीं रहा, अभी भी उमस है, उम्मीद अभी भी रखे हुए कुछ ना कुछ बारिश होगा, लेकिन बारिश का ज़रूरत था जब शाम ढलने से पहले जब हमारा रथ चले, तो ये भगवान की कृपा है। अभी हम उम्मीद में हैं कुछ ना कुछ बारिश होगा, इसी उम्मीद के साथ।